कि आखिरकार नौजवान पीढ़ी दे विच साडे वड्डियां दा बजुर्गों का जिहड़ा सतिकार है वह आखिर घट क्यों हुंदा जा रहा। असीं यह नहीं कह रहे कि बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन यह जरूर है कि घट बहुत हो गया। असीं देखते हैं कि कई परिवार अजिहे अति गरीब परिवार भी ने जिहड़े अपने बच्चों आईलैस करा रहे हैं, करजा चुक के आईलैस करा रहे हैं, तो फिर होर करजा चुक के या फिर अपना घर गहने ते रख के या फिर जिहड़ी थोड़ी बहुतियां जमीन आउंदियां उन्होंने वेच के जिवें ना किवें करके अपने बच्चों की जिद नूं पगाउंदे ने ते बच्चों नूं विदेश भेजते हैं। जिवें जिवें उम्र वधदी है जी उहदे उत्ते फिर शुरू हुंदा जे क्योंकि वह मापिया का असर जिवें अज क्या वह पहले ग्लोबल पंजाब टीवी अते चैनल पंजाबी टीवी देख रहे साडे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है जी प्रोग्राम ग्लोबल गलबात दे विच। असी साडा ये प्रोग्राम हर हफ्ते लगातार 5 दिन पेश करते हैं, मंगलवार तो लैके शनिवार तक हर शाम 7:30 बजे तो लैके 8:30 बजे तक साडा ये प्रोग्राम ग्लोबल गलबात लगातार 1 घंटे लाइव होंदा। सो मैं रविंदर सिंह एक बार फिर तो प्रोग्राम ग्लोबल गलबात लैके आप जी दे अगे हाजिर हाँ जी। सो साडे इस प्रोग्राम नूं तुसी ग्लोबल पंजाब टीवी अते चैनल पंजाबी टीवी ते देख सकते हो, इस दे रिपीट टैलीकास्ट भी इन्हां दोने चैनलों ते देखे जा सकते हैं। इस समय अमरीका दे विच साडे इस प्रोग्राम नूं देखण लई ग्लोबल पंजाब टीवी तुहानूं देखना पएगा, तो जे इस तरह के नाल तुसी कनेडा दे विच बैठ के साडे इस प्रोग्राम नूं देखना चाहुंदे हो तां कनेडा दे विच तुहानूं चैनल पंजाबी टीवी ट्यून करना पएगा। चैनल पंजाबी टीवी कनेडा दे विच देखण लई तुहानूं रोजर्स बैलशा ते पैलेस वर्गियां जिहड़ियां सेवावां ने ओह तुहानूं लैणियां पैणगियां। तो इस तों इलावा साडे इस प्रोग्राम नूं तुसी इस समय साडे फेसबुक पेज दे उपर भी लाइव देख रहे हो। साडा फेसबुक पेज ग्लोबल पंजाब टीवी है, तो उसते जिथे सीधा प्रसारण इस प्रोग्राम का हो रहा उत्थे तुसी अपने कमेंटा दे राही अपने जिहड़े संदेश ने, अपने विचार ने, अपने सवाल ने, वह भी साडे तक सांझे कर सकते हो जी। सो इस प्रोग्राम की असी शुरुआत करते हाँ। असी रोज़ाना ज़्यादातर इस प्रोग्राम दे विच राजनीति दे मुद्दों लैके आने या राजनीति दे जिहड़े विषय ने उन्होंने लैके आने, पर अज साडी कोशिश यह है कि राजनीति तो हट के जिहड़े होर विषय ने, समाजिक विषय ने, साडे जिंदगी दे विच जो अहम स्थान रखते ने उन्हां ते भी चर्चा बहुत जरूरी है। सो इस समय असी देख रहे हैं कि पिछले लगभग 1-2 दहाकों तो पंजाब की जेकर गल करिए, वैसे तो पूरे देश या पूरी दुनिया के कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन पंजाब दे विच ज़्यादातर असी देखते हैं कि जिहड़ी साडी नौजवान पीढ़ी आ वड्डियां दा सत्कार करना भुलदी जा रही है। जिस तरीके नाल पुराने समय दे विच साडे जिहड़े बजुर्ग हुंदे सी परिवार दे विच जिस तरीके दा उन्हां दा सत्कार हुंदा सी उस वेले दे विच, उस तरह का सत्कार हुण परिवारां दे विच देखण नूं नहीं मिलदा। अजोके कह लईए कि कंप्यूटर दा युग है, तेज़ रफ्तारी दा युग है, सो इस करके जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है उहदे मन दे विच जिहड़ी लालसा है इक दूसरे तो अगे वधण दी, ज़्यादा तो ज़्यादा वड्डा बणन दी, ते जल्दी तो जल्दी जिहड़े वध तो वध जिहड़े पैसे कमाउण दी, इस होड़ ने जिहड़े साडे
सियाने ने साडे बजुर्ग ने माता पिता ने या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जिन्हां नूं असीं कहने आ दादा दादी नाना नानी ने उन्हां दा सत्कार दे विच जिहड़ी असीं देख रहे हां कि भारी कमी आई आ। बहुत सारे अजिहे परिवार ने अजिहे जोड़े ने बजुर्ग जोड़े ने जिहड़े इस समय पंजाब दे विच वी इकल्ले रह रहे ने। ज़्यादातर अजिहे मापियां दे जिहड़े बच्चे होंदे ने या लड़का या लड़की होंदे ने, लड़की ने तो सानूं पता ही है कि व्याह के चलो दूसरे घर चले जाना, पर बेटे की जो जिम्मेदारी सी उन्हां तो भी हुण जिहड़े अज दे अजोकी नौजवान पीढ़ी आ उह अपनी जिम्मेवारियां तो किते ना किते भजदी दिख रही है। मल्टीनैशनल कंपनियां दे विच या तां इह कह लईए कि काम करन दे लई नौजवानां नूं बाहर जाना पैंदा, इस करके फिर पिछे माता पिता नूं घर दे विच इकल्ले ही रहना पैंदा। पंजाब दे विच हुण असीं इही देख रहे हां कि जिहड़े बच्चे ने उह विदेशां दे विच जा के सैटल हो चुके ने ते पिछे माता पिता रह जांदे आ इकल्ले, ते बुलाया भी जांदा जेकर पंजाब तों कि चलो कुछ जिहड़े नौजवान ने उह विदेशां दे विच बुलाउंदे भी ने अपने माता पिता नूं, तां फिर उत्थे इहनां बजुर्गां दा जिहड़ा असीं कहिंदे आ कि जी नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, क्योंकि पंजाब ते बाहरले देशां दा जिहड़ा माहौल है उस दे विच बहुत सारा अंतर भी आ। हालांकि साडे बहुत सारे बजुर्ग ऐसे भी ने जिहड़े अमरीका, कनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वर्गे देशां दे विच पिछले लंबे समय तो रह रहे ने, लेकिन उन्होंने खुद नूं अपने आप नूं उस तरह के वातावरण के उस तरह के समाजिक माहौल दे विच एडजस्ट कर लिया। पर साडा अज दा सवाल यही है जी कि आखिरकार नौजवान पीढ़ी दे विच साडे वड्डियां दा बजुर्गां दा जिहड़ा सतिकार है वह आखिर घट क्यों हुंदा जा रहा। असीं यह नहीं कह रहे कि बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन यह जरूर है कि घट बहुत हो गया, पर हजे भी कुछ अजिहे होनहार जिहड़े हैगे कह सकते हैं कि सपूत ने, पुत्र ने, बच्चे ने, बच्चियां ने, वो हाले भी अपने माता पिता नूं उन्ना ही सत्कार दिंदे ने जिन्ना पुराने समयां दे विच असीं देखदे सी कि घर दे वड्डियां नूं बजुर्गां नूं मिलदा। पर अज ज़्यादातर जिहड़ी परसेंटेज आ वो यही है कि ज़्यादातर परिवारां दे विच बजुर्गां नूं उस मान सन्मान नहीं हासिल हुंदा, ते इस करके असीं देखदे हां कि साडे पंजाब वर्गे सूबे दे विच भी जिहड़े बिरध आश्रम ने वो बड़ी तेजी दे नाल स्थापित होंदे जा रहे ने। इसका कारण की है? यही कारण है कि जिहड़े बजुर्ग ने या तो फिर उन्हां नूं बच्चियां वल्लों जबरी घर तों कढ दित्ता जांदा ते या फिर वो कुछ होर कारणां कारण इन्हां बिरध आश्रमां दे विच जाण लई मजबूर हो जांदे ने। खैर सोचण दी गल यही है कि हर एक इंसान दी जिंदगी दे विच उसदे बच्चे जदों छोटे हुंदे ने वो एक ऐसा समां आउंदा है कि वह इंसान अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक भी कुरबान करन दे लई तैयार हो जाता। माता पिता एक ऐसा रिश्ता है जो कि अपने बच्चों नूं किसी भी हालत दे विच माता पिता दुखी नहीं देख सकते, पर जदों उही बच्चे वड्डे हो जाते हैं तां फिर वो बच्चों नूं इस तरह का जिहड़ा पुरानियां गल्लां ने या पुराना अपना बचपन आ वो अक्सर क्यों भुल जाता यह समझ तो बाहर है। क्यों बच्चे भुल जाते हैं कि माँ बाप ने अपनी हैसियत तो वध के भी हमेशा उन्हां दियां जिद्दां उन्हां दियां लोड़ां नूं पूरा करना चाहिया। अज भी असीं देख रहे हैं कि वड्डी गिणती दे विच हर एक घर दे विच नौजवान का यही सुपना हुंदा कि वह आईलैस करे, आईलैस करके विदेश दे विच चला जाए तो उत्थे जाके सैटल होवे। असीं देखते हैं कि कई परिवार अजिहे अति गरीब परिवार भी ने जिहड़े अपने बच्चों नूं आईलैस करा रहे ने, करजा चुक के आईलैस करा रहे ने ते फिर होर करजा चुक के या फिर अपना घर गहने ते रख के या फिर जिहड़ी थोड़ी बहुतियां जमीनां आउंदियां उन्हां नूं वेच के जिवें ना किवें करके अपने बच्चों की जिद नूं पगाउंदे ने ते बच्चों नूं विदेश भेजदे ने। पर कई बार इस तरह के जिहड़े परिवार ने इस तरह दी जिहड़ियां कोशिशां करदे ने वो असफल हो जांदियां ने, क्योंकि विदेशां दे विचों जदों नौजवान जांदे ने ते कदे ना कदे या कोई ना कोई किसे ना किसे नौजवान दे नाल कुछ अजिहा भाणा वरतदा कि उसकी जिंदगी चले जाती है। हाल ही दे विच भी एक खबर जिहड़ी आई है कि फतेहगढ़ साहब का जिहड़ा एक नौजवान सी कनेडा दी धरती ते वह थोड़ा इस करोना वायरस तो यानी शुरू होने तो पहले ही पहुँचा सी, आईलैस इस नौजवान ने किया सी ते लगभग फरवरी के महीने दे विच इह कनेडा चला गया सी ते उत्थे जिहड़ी मनभागी खबर यह है कि समुंदर दे विच डुब जाण कारण इस जिहड़े नौजवान की वह मौत की खबर
हुण परिवार नूं मिली आ। सो इस तरह के भी परिवार ने, यह भी परिवार काफ़ी गरीब परिवार संबंध रखता, तो हुण अपने पुत्र की मृतक देह नूं वापस भारत पंजाब लिआउण दे लई सरकारां अगे गुहार परिवार वालों लगाई जा रही है। ये एक इकला ही नहीं, इस तरह के बहुत सारे हुण तक जिहड़े मामले ने, मंदभागियां घटनावां ने, वह हुण सामने आ चुकियां ने। खैर इस पासे नूं जेकर असीं जावांगे तां शायद किते असीं अपने विषय तो भटक ना जाइए। सो साडा विशा यही है कि अज कल दे जिहड़े नौजवान ने ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਵੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾਪਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬੋਲ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ, ਸਮਝ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਸਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਨਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਉਹ ਵੇਖਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਣਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਔਖੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਗਲੀ 'ਚ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਗਈ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਿਆ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਸੈਕਸ ਵੇਖਦਾ ਜੇ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆਪ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਲੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਟੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰੋਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਬੱਦੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਾਪੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਓ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪ ਜੋ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ IAS ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉਸਤੇ ਥੋਪਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਇਸਾਈਡਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਣਾ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਥ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਾਰਨ ਇਹ
मैं मिसाल देना चाहनी हाँ क्योंकि मैं फ्रांस के स्कूल दे विच भी गई हाँ, जर्मनी के स्कूलों भी जिते निके बच्चों रखते ने उत्थे उन्होंने देश प्रेम दिया कहानियां सुनाते ने, एक विजन देंदे ने, एक एम देंदे ने, जिथे बच्चे प्रोजेक्ट दिते जाते हैं उन्होंने उत्ते काम करके लियाण लई, ते फिर उहदे च लभिया जाता है कि बच्चे का ध्यान किस पासे नूं है, की बनना चाहता है, उस पासे उन्हों तैयार किया जाए। यानी बच्चा एक लकड़ का काम करना चाहता है तो उन्हों उस तरह का मिस्त्री तैयार कर देंगे, बिल्कुल साइंस वाल जाना चाहता है तो साइंस वाल, असी उन्हों इन्ना क तक जिन्ने सिर्फ एक डॉक्टर इंजीनियर या बिजनेस बनने वाल कि बच्चा अपने सारे शौक खत्म कर दिता है, तो वो अनप्रोडक्टिव एक यूथ जिदी अपनी सोच दब गई होए उन्हें हर साल विच बगावत विच उतरना है, ते बगावत इसे तरह हुंदी जे भी तुसी कर लिया हुण मेरा देखो मैं की कर सकता, बिल्कुल ये चीजें जिस सदका असी उन्हां नूं असी तैयार कर रहे हैं आप हुदरे बनन लई गल ना मनन लई, क्योंकि मापिया नूं दोस्त बन के सामने आना चाहिए, वो दोस्ती का रिश्ता खत्म करके असी बॉस का रिश्ता बना दें, ये हुक्म किया कर, कदे नहीं पुछदे पुत्र आ भाई अज रात आप बैठे हाँ, मेरी धी तू अज आप रात बैठे हाँ, दस तेरिया की मुश्किलां ने, गलबात का सिलसिला डॉक्टर साहब बिल्कुल ही खत्म हो गया दोनों पीढ़ियों के, गलबात का जिक्र कित आ ही नहीं है, कि अगे असी देखते हैं कि शाम को चलो जदों भी खाना खाने या पिंडां दे विच थोड़ा हाले भी जिहड़ा है, लेकिन शहरां दे विच ये चीज़ मुकदी जा रही है कि सियाणियां दे नाल जिहड़ी यंग जनरेशन हैगी आ उह गलबात ही नहीं करदी हैगी जी, बिल्कुल ते हुण तां सगों ना असी एक तरीके जिवें दरार पैदा कर रहे हां, मापे कहिंदे ने साडे वेले आ हुंदा सी साडे भले वेले सी तुसीं तां खेह सुआह करदे हो, वो अगों बच्चा कहिंदा जी मैं इंटरनेट एक्सपर्ट तुसीं जां की जाणदे हो तुसीं अनपढ़ तुहाडी पीढ़ी बजुर्गां दी बजाय असी उस सुनहरा उन्हां दा इतिहास या उन्हां दीआं यादां राही कुछ असी उन्हां दा सिख सकीए भी आ गलतियां सन आ उन्हां दीआं पॉजिटिविटी सन, उहदे तों असी सगों कुछ हासिल करन दी थां इक दूजे नूं उतां चढ़न दे उत्ते ही लगे हुंदे आ भी असी ज्यादा अगां वधू कि असी ज्यादा अगां वधू। फिर एक बहुत वड्डा नुकता इह जे कि असी घरां दे विच जिस भी घर च बेटी ते बेटा दोनों ने असी आम तौर ते बेटे नूं उतां दर्शाउने आ कि बेटी तुसीं घर रुकना, बच्चे नूं बाहर दौड़ के आ जाण दो या बच्चे नूं बाहर काम करके आ जाण दो, लेट जा सकदा तुसीं नहीं जा सकदे, झिड़कदे भी उहनूं वध आ उहदे सामणे ही कहिंदे आ बेटी तूं लै के आ प्लेटां, तूं रख सब्जी ते पुत्तर तूं बैठा रह, ये इन्नी क गलत सिख्या असी बच्चियां नूं दे रहे हां, बराबरी दा एहसास नहीं दे रहे, जो उसे समय तो निक्का बेटा ही समझ जांदा कि मेरा काम सिर्फ हुक्म चलाउण दा जे, मैं जिथे भी किते औरत दिसेगी उहनूं दबाउणा जे, जिस भी घर बराबरी दा हुंदा तुसीं देखो कि उहनां दे इन्ने सुखावें संबंध हुंदे ने, इन्ना निघा रिश्ता हुंदा ते उस घर दे विच बाल आखे विच भी रहिंदे ने जी, तो ये सारियां दे सारियां कमियां जे असीं ध्यान रखांगे तां असीं बच्चे खुदकुशियां वल नहीं तकांगे ते उह जिहड़ा साडा तनाव उहनां दे उत्ते जांदा है उह भी नहीं। पर मैनूं तुसीं आप सोच के वेखो कि जिस घर विच मापे कार च बिठा के बच्चे नूं इह दिखाणा वेख भाई मैं लाल बत्ती टप के विखा सकदा साडी चौधर है, या लाइन विच मैं अज दी गल दसणा चाहुंदी हां, मैं बैंक दे विच खड़ी सां, लाइन विच असीं बकायदा चार जणे उह गोले दे विच खड़े हां डिस्टेंस मेंटेन करके, एक वड्डी कार विच एक उतरदा जे बच्चा जिहनूं प्यो हल्ला फेरी मोढे ते देखे कहिंदा लग काका अग्गे मैं वेखदा कौण रोकदा, मैं तुहानूं एग्जाम्पल देना चाहुंदी हां अज दा असीं वेख्या, मैं उसदे पिता नूं गल कीती कि इह तुसीं गलत चीज सिखा रहे हो, समझो जे इस समय इहनूं सिखाओगे लाइन विच खड़े होना तां इह बहुत नेक इंसान बन सकेगा, सगों मैनूं उल्टा जवाब दे रहे ने कि साडे असीं लाइनां विच खड़ा होना नहीं जाणदे, मैनूं दस्सो कि इह असीं किस तरह दी पुश्त अगली तैयार कर रहे हां जिन्हां नूं असीं आप सिखा रहे हां कि तुसीं इस तरीके दे अड़ब बदतमीज ते कानून तोड़न वाले बनो, तां फिर उह अपने साथियां दे विच की सुनेहा भेजेगा ते किस तरीके दी इहो जी सोच उगाड़ेगा। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही, तुसी जिहड़ियां गल्लां ने जी वह दस रहे हो। अच्छा डॉक्टर साहब, तुसी घरेलू हिंसा की भी गल कीती आ, असी देखते हैं कि बहुत सारे परिवारों के इस तरह के जिहड़े झगड़े वह हुंदे ने, ते तुहाडा आखणा कि इस तो भी जिहड़े बच्चों के माइंड के जिहड़ी डिवेलपमेंट आ वह गलत तरीके की बन जाती है, सिर्फ किस तरह का जिहड़ा माहौल आ वह सानू अपने बच्चों को देना चाहिए तां जो साडे जिहड़े बच्चे ने वड्डे होके वह साडा सत्कार चंगे तरीके नाल घट्टो घट कर सकन।
जी बिल्कुल। दरअसल जिवें मैं पहला दस्या सी कि बच्चे का बनता दिमाग सिर्फ समोण लई हुंदा, उह समझदा है, देखदा है, फिर उसनूं तर्क दे आधार उत्ते अपने मन विच वसाउंदा है। जी जे असीं मैं दो एग्जाम्पल तुहाडे नाल सांझिया करना चाहुंदी हां। एक एग्जाम्पल मिसाल वजों एक घर विच माता ते पिता का बराबर का रोल है, दोनों एक दूजे नूं पूरी इज्जत दे रहे ने, प्यार नाल पुछदे ने ते इक सांझ गंढदे ने वी हां बच्चे तू दस तैनूं कोई तकलीफ है असीं दूर कर सकदे हां, जां कोई इकट्ठे रल के अज आपां चलो खाणे दे वेले हसांगे, खेडांगे, कहानियां सुणांगे, गल्लां करांगे। एक दूसरा एग्जाम्पल दिंदी हां जिथे एक घर दे विच पिता शराब दे नशे विच आके मां नूं कुटदा है, मारदा है, ते उह अगों गालां कढदी, उही गुस्सा अपने सस सहुरे ते कढदी है, बच्चियां नूं अगे बच्चियां ते बच्चियां ते निकलदा। बिल्कुल जी बिल्कुल। ते उसे तरीके उह अगों इस तरह रोज चले चले जावे तां उह बच्चा किस सोच नाल अगों बणेगा। मैं हुण तुहानूं डाक्टरी पक्षों दसदी हां जो साडियां खोजां दस चुकियां ने कि जदों इहनां दे दिमाग दी स्कैनिंग कीती गई, फॉलो अप होया 15 सालां बाद जी, ता 15 सालां दे जदा जिस तरह दी ओह डिवेलपमेंट हुंदी रही ओहदे विच जिहड़ी सोचण समझण तर्क करन दी शक्ति वाला सेंटर सुंगड़ गया सी, जिहड़े मारकुटाई सहंदे सन उहनां दा रुझान ज्यादा इस तरीके दा ही सी कि जिवें मारकुटाई करनी है, नशियां वल पैणा ते लुट्टां खोहां करनियां, इत्थों तक कि कईआं ने ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਦਿਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਰੂ ਤੇ ਦੱਬੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪਜਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਪਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਆ ਇਹ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਤਾ ਸੋਹਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਿਕਨਿਕਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ? ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸਾਂ ਨੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
मैनेजमेंट कमेटी के अंडर चल रहे स्कूलों कॉलेज ने तनखाह नहीं दे रहे वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है ना लोग कि प्रक्षेपा कर रहे हैं लोग सुसाइड कर रहे हैं ये तो अपने चैनल के इन्होंने भी थोड़ी लानता पाओ भी देखो टोपी शोध खटन का फायदा कोई नहीं तुम लंगर लाने फोटो खिचाने तो तुम घट्टो घट अपने मुलाजमान तनखाह ना दो बाकी देखो किन्ने शर्म की गल है कि साडे गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी अंदर चलते स्कूल जिन्हों का ना भी गुरुओं के नाम उत्ते है उन्होंने मुलाजमान तनखाह ना तुम दवो बाहर तुम लंगर लवो फोटो खिचावो ये बहुत लानत की गल है ये भी तुम अपने जी बहुत बहुत शुक्रिया प्यारा सिंह जी अपने सुझाव रखने का सो बिल्कुल ठीक है वो कहते हैं कि जे समाज भलाई का जो कुछ काम करना तो सब तो पहला ठीक है अपने आस पास तो या अपने घर तो भी इस तरह की शुरुआत जी करनी चाहिए है सो इस विषय में असी इस तरह अगे भी जारी रखांगे अज के साडे प्रोग्राम दे विच लेकिन दर्शकों इस समय समा एक निक्के जे वक्फे का हो गया तो इस छोटी जी ब्रेक तो बाद असी फौरन वापस आउंदे आ जी साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो